हिमाचल से केरल तक देश के 28 जिले रेड जोन में हैं। सरकार ने दिए जमीनी स्तर पर फिर से सख्ती बरतने के निर्देश। डीजीसीए ने भी कहा है कि यदि कोई यात्री विमान के अंदर चेतावनी के बावजूद मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसे विमान के रवाना होने से पहले एयरलाइंस विमान से उतार सकती है। डीजीसीए ने महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न एयरलाइंस को यह सख्त एडवाइजरी दी है। कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश से केरल तक देश के 28 जिलों को संक्रमण बढ़ने की वजह से रेड जोन घोषित कर दिया है। इनमें हरियाणा और महाराष्ट्र के वे 4 जिले भी शामिल हैं जहां साप्ताहिक संक्रमण 5% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। राज्यों के साथ बुधवार को बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों से जमीनी स्तर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह बढ़ोतरी देश में सर्वाधिक 21.43% तक दर्ज की गई है। देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में करीब 40% उछाल के साथ बुधवार को देश में 5,233 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 28,857 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,345 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पूर्व 7 जून को 3,741 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों के साथ संक्रमण दर में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 564 नए मामले मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर बढ़कर 2.84% रिकॉर्ड की गई। इससे एक दिन पहले संक्रमण दर 1.2% थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना के 12,699 आरटीपीसीआर व 7,177 एंटीजन टेस्ट किए गए। होम आइसोलेशन में 1,048 मरीज उपचारधीन हैं। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़कर 100 पहुंच गई। राहत की बात यह है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी आई है। बच के भाई, कोरोना फैल रहा है दोबारा।